जय श्री सीताराम। 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक का जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और ऑल साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं। और विस्तार से मैं आपको ये पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा जाएगा ये समझा रहा हूँ हमेशा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साप्ताहिक राशिफल का इतना इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि जब आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बताते हैं कि मेरा साप्ताहिक राशिफल आपके ऊपर बैठा, सटीक बैठा या 100% बैठा, तो मुझे बहुत खुशी होती है। हालांकि मैं ये बात जरूर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि देखिए, ये जो साप्ताहिक राशिफल होते हैं या जो भी राशिफल हो, चाहे दैनिक राशिफल हो, चाहे मासिक राशिफल हो, चाहे वार्षिक राशिफल हो, ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। मतलब आपको यदि खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये मेरी बहुत बड़ी किस्मत है, मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ कि इष्ट का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मेरी ये जो साप्ताहिक राशिफल पर आपके लिए की गई मेहनत है, आप बहुत अच्छा रंग लाती है। और आप में से कई सारे दर्शक कमेंट करके बताते हैं कि हाँ, आपके ऊपर सही बैठी, सटीक बैठी, तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है। अब बहुत सारे कमेंट्स तो छूट भी जाते हैं, सॉरी, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हमारे वीएस एस्ट्रोलॉजी जो परिवार है, लगभग मान के चलिए कि 10 लाख सदस्यों का ये परिवार है। और इसमें कॉमेंट्स जो हैं, दिन में यदि 1 लाख कॉमेंट भी आए, मैंने गिने तो नहीं है, मैं सच बताऊँ आपको, एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूँ, कि क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी होगा, फेसबुक पर भी होगा, यूट्यूब पर भी होगा, कू पर भी होगा, जोश पर भी होगा, है ना, अभी वो थ्रेड है, थ्रेड पर भी वी एस एस्ट्रोलॉजी के लगभग 7-8 हज़ार फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पर होगा। अलग अलग जगह अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपके जितने कॉमेंट्स आते हैं तो गिन तो नहीं पाते, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर कि 1 लाख कॉमेंट भी आएंगे तो उसे देखा जाना या उसे पढ़ा जाना, देखो उतना पॉसिबल हो नहीं पाता एक इंसान के लिए, है ना। लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स जो है वो जब देखने में आ जाते हैं तो उनको संजो लिया जाता है। मतलब कि ये कि एक इंस्टाग्राम में एक हाईलाइट करके एक व्यवस्था है, हाईलाइट, तो वो हाईलाइट में वो कॉमेंट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट पर भी कुछ पुराने कमेंट हैं जो कि वेबसाइट पर डेली अपडेट तो नहीं कर पाते वेबसाइट को, तो उसमें भी एक सेक्शन है कमेंट्स का, या टेस्टिमोनियल करके एक सेक्शन है, उसमें भी आप कमेंट, चाहे वो व्हाट्सएप के कमेंट्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप पर की गई चर्चा हो, चाहे वो किसी सोशल मीडिया के कमेंट हो, वो उसमें वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। vsastrology.com वेबसाइट का एड्रेस है। तो और बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि ये जो राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब आपकी दशाएं मुझे नहीं पता है, कौन से नक्षत्र हैं आपके, कौन से कुंडली के अच्छे या बुरे योग हैं, और मुझे आपके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपकी राशि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो मुझे ये पता है कि आपकी राशि क्या है, तो कोई भी एक राशि होगी, तो सारी राशियों का कैलकुलेशन हो गया, उस आधार पर आप देख सकते हैं। कैलकुलेशन क्या हुआ, कैलकुलेशन जो हुआ ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर हुआ, है ना। ग्रह इस समय कैसे गोचर कर रहे हैं, कौन सी राशि में है, और जो राशि है उसको लग्न मान करके सारे कैलकुलेशंस निकाल लिए और वो आपके सामने रख दिए। तो इस प्रकार से ये गणनाएं होती है, इस प्रकार से साप्ताहिक राशिफल निकाले जाते हैं। हाँ, बहुत गहन विश्लेषण किया जाता है, मैं करीब करीब 2 दिन लगा देता हूँ, कभी कभी तो 3 दिन भी लग जाते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल लिखने में, लेकिन जब लिख करके आता है, आप तक पहुँचता है, आप सुनते हैं, और जब आप कमेंट करके बताते हैं कि आपके ऊपर ये सटीक बैठा, तो फिर मेरी मेहनत सफल हो जाती है। तो कमेंट किया कीजिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों, आपसे मैं कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ जी, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखें, ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है। पहले से कोई लंबी या बड़ी बीमारी आपके ऊपर चल रही थी, आपके साथ चल रही थी, तो मेरा कहना यह बनता है कि इस पर भी
आप कंट्रोल कीजिए। कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे डायबिटीज लंबे वक्त से चल रही है, तो भाई आप मेडिसिंस प्रॉपर लीजिए, डाइट प्लान प्रॉपर रखिए, आप घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, जॉगिंग पर जाते हैं, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो प्रॉपर रखिए। तो मेडिसिंस बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है अपने स्वास्थ्य को, ये बहुत जरूरी है आपको अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना। और छोटी मोटी बीमारी भी यदि कहीं आपको होती है, छोटा मोटा भी कोई समस्या आपको लगता है, तो बिल्कुल आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से अपनी समस्या का निदान पूछना है। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। मैं एक बात आपसे यहां पर जरूर कहूंगा, मेष राशि वालों, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो यात्राएं आपके लिए बहुत सुखद हैं। मतलब जिन भी उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, आप नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, आप अपने परिवार के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, कोई पारिवारिक काम है आपको, जिस भी उद्देश्य से आप इस समय यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको निसंदेह लाभ भी देखने को मिल जाएगा, मैं ये भी आपसे कह सकता हूँ। तो बिल्कुल यात्रा कीजिए। हाँ, आपने देखिए स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो मुझे कोई भी आपके लिए चिंता यहाँ पर इस समय नहीं है। ठीक है, एक बात ये। अगली अगली बात ये कि पारिवारिक तौर पर ये समय अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, संतान से सुख मिलता हुआ मुझे नजर आता है। यदि ऑलरेडी आपकी संतान है तो उसके पक्ष में कोई खुशखबर आपको मिले या सुख मिले, और यदि आपकी संतान नहीं है, यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उस विषय में कहीं ना कहीं खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिले। जो भी है, इस प्रकार से मुझे आपके लिए एक ये पीरियड बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, और ये पीरियड मुझे आपके लिए सफलताकारी दिखता है। आप चाहे पढ़ाई लिखाई में बात करें, आप चाहे पारिवारिक स्थिति की बात करें, चाहे आप धन नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन कैरियर आर्थिक स्थिति की बात करें, सारे दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, प्रगति कारक है, केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और बात, यदि कहीं आप निवेश करते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ऑल सारे दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, केवल ध्यान रखना है किस बात का, अपने स्वास्थ्य का। ठीक है, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहां पर मिलेगा। हाँ जी, शुभ समाचार मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य, जो भी आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप लंबे समय से लगे हुए थे, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाए, तो ऐसा शुभ समाचार मुझे आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए मुझे बनती हुई नजर आती है, एक बात। और यदि शुभ समाचार मिलेगा तो सारे क्षेत्रों में आप मान सकते हैं ना इसे, जैसे मान के चले तबीयत खराब थी, है ना, आपने कोई रिपोर्ट करवाई, वो रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई, तो शुभ समाचार मिला। हाँ, मुझे एक वाक्य हमेशा याद आता है, थोड़ा पुराना वाक्य है, लेकिन मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ क्योंकि बड़ा अजीब और बड़ा हास्यास्पद वाक्य है कि एक व्यक्ति थे, तो वो उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। मेरे पास आए, उन्होंने अपनी कुंडली मुझे दिखाई, तो उन्होंने बोला, सर मैं बहुत चिंतित हूँ, कहीं मुझे ये चीज़ ना हो जाए, ये बीमारी ना हो जाए। तो मैंने कहा, नहीं, नहीं होगी बीमारी, आप चिंता मत करिए। फिर भी वो चिंतित थे। फिर उसके बाद में वो हर महीने, मतलब 15 दिन, महीने क्या, हर 15 दिन में मुझसे अपना कंसल्टेशन ले रहे थे, सर मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरे को नींद नहीं आई आज। फिर 15 दिन गए, फिर कंसल्टेशन, मतलब ऐसा 3 महीने तक करीब करीब चला, हर 15 दिन वो मुझसे कंसल्टेशन ले रहे थे। बार बार मैं कह रहा था कि आपको कोई बीमारी नहीं है, वो बार बार मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, देखो एक आप एक काम करो, आपका ना बार बार कंसल्टेशन आप ले रहे हो, आप पैसा मुझे दे रहे हो, और एक ही बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, है ना, भाई कंसल्टेशन की तो मैं फीस लेता हूँ, कि समय की कीमत है, मैं यदि आपको समय दूंगा तो मैं उसकी फीस लूंगा, ज्ञान की कीमत नहीं है। मैंने जो एनालिसिस किया और जो मैंने आप तक वो एनालिसिस पहुंचाया, उसकी कोई कीमत नहीं, वो अमूल्य है, लेकिन मैंने जो समय दिया उसकी तो कीमत है, तो मैं उसका आपसे फीस ले रहा हूं। लेकिन मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही कि मैं वही एक बार 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 आपको रिपीट कर रहा हूं। तो आप एक काम करो, आप जो है टेस्ट करवा लो,
ये जो बीमारी आपकी शंका है इसका टेस्ट करा लो। तो कहने लगे सर पॉजिटिव आ गया, तो मैंने कहा नहीं आएगा भाई, टेस्ट करा लो। अच्छा सर लेकिन टेस्ट थोड़ा महंगा है, करीब करीब 15 या 20 हज़ार रुपये कुछ लगने वाले थे। मैंने कहा यार देखो ठीक है, लेकिन आपकी एक शांति हो जाएगी, आप मुझसे बार बार बात कर रहे हो लेकिन आप कह रहे हो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं 2 2.5 3 महीने से परेशान है, तो ठीक है यार 15 20 हज़ार रुपये लगा करके टेस्ट ही करा लो आप, आपको समझ में आ जाएगा, फिर तो आप उसको लेकर के परेशान नहीं रहेंगे, ऐसे 15 20 हज़ार आप मुझ पर लगा देंगे। तो मैंने कहा इससे बेहतर है ना टेस्ट ही करा लो। उन्होंने कहा सर ठीक है। उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट उनके शहर में रिपोर्ट नहीं आती थी, वो टेस्ट शहर में हो जाता था लेकिन रिपोर्ट कहीं बाहर बनने जाती थी। तो वो जिस दिन टेस्ट कराया उस दिन का सर मैं टेस्ट करा रहा हूँ, रिपोर्ट जो है वो करीब करीब 3 या 4 दिन में आएगी। मैं कहा ठीक है। 3 या 4 दिन बाद उनका फोन आया, मतलब उन्होंने कंसल्टेशन फिर लिया 3 4 दिन बाद, और उनका सर मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए, मुझे पता है, बस बोलिए। तो बोले कि सर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने कहा अरे वाह बधाई हो। बोले सर लेकिन दिक्कत है। मैं कहा क्या दिक्कत है? बोले फालतू में पैसे चले गए। तो मैंने कहा भाई रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है, पैसे फालतू में चले गए तो क्या हुआ भाई, क्या चाहते हो आपकी, वो जो पैसे गए हैं उसका कुछ मिलना चाहिए क्या? उनका मतलब ये था, उनका कहने का तरीका ऐसा था, उनका टाइमिंग ऐसी थी कि अरे यार पैसे गए हैं, पैसे फालतू के पैसे लगा दिए हैं, इससे कुछ मिलना चाहिए, इतने पैसों से फिजूल में चला गया। तो मुझे बड़ी उस चीज़ को सोच करके हंसी आती है कि ये पैसे जो इन्होंने लगाए हैं और उससे इनको पॉजिटिव न्यूज़ मिली है, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि अरे यार पैसे फालतू चले गए और जो है वो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई। तो मैं कह तो बहुत अच्छी बात है, फालतू नहीं गए ये पैसे तो अच्छे गए। तो उस समय वो एक ऐसा टाइमिंग बना था, उसको लेकर के मैं बहुत उनके साथ हंसा था। आज भी वो मेरे से कनेक्टेड है, हालांकि उस बीमारी के बारे में कभी बात नहीं करते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं उनको उत्सुकता रहती है, अपने घर परिवार के बारे में तो बात करते रहते हैं। तो अच्छा है, आपको भी ऐसे कुछ पैसे आपके जाते हैं कोई रिपोर्ट करवाने में पॉजिटिव आती है, मतलब रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब ये कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो बिल्कुल परेशान मत हुई क्योंकि आपके पैसों का यूज़ है ना, अब आगे आपको पैसे लगने वाले नहीं। तो और शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, घर परिवार में मांगलिक प्रसंग मांगलिक कार्य होने वाला है। मांगलिक प्रसंग मांगलिक कार्य होगा तो पारिवारिक लोग भी मिलेंगे जुलेंगे और एक आप लोगों के बीच में एक संबंध और ज्यादा मजबूत बनेगा। चलिए वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छे योग हैं। आप जिस भी कार्य को करना चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जिसके लिए आप लंबे वक्त से लगे हुए हैं, जो आपकी इच्छा है उस कार्य को आप करें, उन सारे कार्यों में आपकी सफलता आपको मिले, ऐसा मुझे यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो सफलता के योग है। पारिवारिक तौर पर भी इस समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। खास तौर पर संतान के प्रति सुख मिलता हुआ मुझे आपका दिखता है। यदि आपकी संतान कुछ कर रही है या संतान को लेकर के आप सोच रहे हैं कि ये आ, आ, संतान को ये करना चाहिए, या फिर जैसे मान के चलो आपकी संतान जो है एग्जाम दिया है उन्होंने और अब आप सोच रहे हैं कि भाई रिजल्ट आना चाहिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो संतान के प्रति आपको खुशखबर भी मिलेगी, या आपकी संतान विवाह की इच्छुक है, आपकी संतान खुद संतान, जो भी देखो जो भी संतान के पक्ष में आप सुख चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा मिथुन राशि वालों को, ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ। हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि धोखा मिल सकता है, धोखा मतलब कि जो बाहर के लोग हैं उनसे धोखा मिल सकता है। तो इस समय बिल्कुल भी किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करना आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, आपको लंबे वक्त के लिए एक सदमे में भी डाल सकता है ना। तो दूसरों पर तीसरों पर विश्वास ना करें, पहले से करके रखा हुआ है तो थोड़ा सा आप उसे कम करें, या किसी दूसरे तीसरे लोगों के ऊपर अपनी बागडोर आपने डाल करके रखी हुई है, हाँ मेरा काम ये तू कर ले और लंबे वक्त से वो कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनें मित्रों को दोस्तों को दे करके रखी है, ठीक है सर दोस्त है कोई दिक्कत नहीं, नहीं, बिल्कुल आपको लिखा पढ़ी करके दोस्तों को देना चाहिए, यह वक्त धोखा मिलने का वक्त है, इस बात का मिथुन राशि वालों जरूर ध्यान रखें। चलिए मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं।
अब यश में वृद्धि होगी इसका क्या मतलब है? यश में वृद्धि होगी इसका मतलब यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हाँ जी भाई, यश में वृद्धि तभी तो होगी जब आप, जैसे मान के चले आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपने एग्जाम दे करके रखी और रिजल्ट आपका अच्छा आ गया, तो आपको लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आसपास आस पड़ोस में आपकी बात होगी तो आपका यश फैलेगा, आप नौकरी लगे है ना, अच्छी नौकरी लग गए, यश फैलेगा। यहाँ तक कि शादी भी होती है, आप गौर कीजिएगा इस बात पर, या दूसरों से गौर कीजिएगा, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, शादी के बाद आपकी इज्जत बढ़ जाती है, खास तौर पर आपके आपके घर में या आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने। दोस्तों के सामने चलो इज्जत ना बढ़े, लेकिन रिश्तेदारों के सामने तो इज्जत बढ़ जाती है, दोस्त तो खैर दोस्त ही होते हैं। तो ये एक बात है, तो यश में वृद्धि के योग मुझे आपके दिखते हैं, तो ओवरऑल आप सारे कार्यों में सफल होंगे। मित्रों का सहयोग यहाँ पर मिलेगा, कर्क राशि यदि आपकी है तो आपको दोस्तों का मित्रों का सहयोग मिले ऐसा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूँ कि सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको कर्क राशि वालों को यहाँ पर सहयोग मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि नई नौकरी लगना यदि आप चाहते हैं तो नई नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नई नौकरी भी यहाँ पर आपकी लग सकती है, बहुत अच्छी बात है। नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। हाँ, मेहनत जरूर करना पड़ेगा, ढेर सारी मेहनत कीजिए, ढेर सारी मेहनत कीजिए और सफल बनिए, मैं बस ये आपसे कहूंगा। बहुत अच्छा वक्त है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए कर्क राशि वालों। हाँ चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस कार्य में लंबे वक्त से लगे हुए हैं, हाँ, जो भी आपने सोच करके रखा है, उन सारे कार्यों में आपको शुभ समाचार मिले, आपको शुभ संदेश मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है सिंह राशि वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए क्या होता है ना कई बार, कि मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ हर किसी को कि देखो हर चीज है मानसिकता। कोई व्यक्ति ना, एक व्यक्ति एक शराबी है, वो नाले में पड़ा हुआ है, और एक है मेरे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी क्या कर रहे हो, अभी तो जो है हम इस प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, और वो सर्विस भी टॉप क्लास होती है, मतलब गवर्नमेंट की सर्विस है। जैसे मान के चलो सर हम तो जो है वो इंजीनियर गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में, लेकिन हमको तो कलेक्टर बनना था। तो ये देखो ये क्या होता है ना, जो व्यक्ति नाली में पड़ा हुआ है वो तो कुछ बन ही नहीं पाया, वो तो कुछ बन ही नहीं पा रहा ना, आप तो इतना भी बन गए, लेकिन वो खुश है। नाले में पड़ा हुआ व्यक्ति बिल्कुल गाने गाएगा, आप सोच रहे शराब पिया हुआ व्यक्ति गाने गाएगा, वो बहुत खुश है। और आप जो है इंजीनियर से वो नहीं बन पाए, कलेक्टर नहीं बन पाए, तो आप बड़े दुखी हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप की असंतुष्टि बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना और चाहना भी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह भी बनता है कि जो आपको मिला है ना उसके लिए धन्यवाद भी देना चाहिए और मेहनत ज्यादा करते रहना चाहिए। मेहनत करिए ताकि आप आने वाले पीरियड में वो चीज हासिल कर पाए, नहीं भी कर पाए तो कुंडली देखना पड़ेगा, तो कई बार उसे संतुष्ट भी होना पड़ता है। देखो कुंडली के आधार पर ना संतुष्ट संतुष्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि यदि आप संतुष्ट नहीं है, हाँ यदि आप संतुष्ट नहीं है तो एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं और फिर कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल सारी चीज, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ओवरऑल सारी चीजें संतुष्टि, आपकी संतुष्टि, आपका खुश होना जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सुखी होना जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 1 लाख वाला व्यक्ति भी सुखी है, 50,000 वाला व्यक्ति भी सुखी है, नहीं तो 10 लाख वाला व्यक्ति भी सुखी नहीं है, और 1 करोड़ वाला व्यक्ति भी सुखी नहीं है, और 10 करोड़ वाला व्यक्ति भी सुखी है, और 1 अरब वाला व्यक्ति भी सुखी नहीं है। तो मतलब सुख एक अलग चीज है, वो आपके मन अंदर से आता है, सुख बाहर से नहीं आता है। हाँ ये कह सकते हैं गरीब व्यक्ति जो है जो पैसों से कुछ नहीं ले सकता, उसके पास सुख की कमी है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इन जनरल यदि आपको पैसा मिलता है तो मेरा मानना यह है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको यहाँ पर मिलेगा, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं,
आपने थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, फिजिकल हेल्थ का अपना ध्यान रखिएगा। मन में चिंता तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, चिंता ज्यादा कर सकते हैं, तनाव में ज्यादा रह सकते हैं, तो ये भी एक बात है, इसका भी आप ध्यान रखिए। बाकी तो ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है, उपलब्धि कारक वक्त दिखता है, और भगवान को धन्यवाद दीजिए जो भी उपलब्धि आपको मिली है उसके लिए, ताकि आप सुखी रह पाए। चलिए, तो ये आपकी बात हुई सिंह राशि की। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि जायदाद में वृद्धि के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपकी जायदाद में वृद्धि हो। देखो, जायदाद में या धन में या पैसों में वृद्धि हो। देख, जैसे आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके कस्टमर्स, या प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन में आपके क्लाइंट्स ज्यादा आए तो पैसा आपके पास आएगा, या आप नौकरी कर रहे हैं तो इंसेंटिव हो ऐसा आपको मिले ऐसा हो सकता है, या फिर प्रमोशन हो ऐसा हो सकता है, तो ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। थोड़ा एक चीज जरूर है कि यदि घर परिवार में मतभेद आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनती हुई नजर आती है, लेकिन इससे एक चीज और ये भी है कि यदि कहीं पैतृक संपत्ति आपकी थी और घर परिवार में मतभेद चल रहा था, तो मतभेद तो खैर हो जाएगा, लेकिन वो पैतृक संपत्ति आपको मिल जाएगी, तो वैसे जायदाद में वृद्धि हो जाए। शेयर मार्केट में आप पैसा लगा रहे हैं तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, है ना? तो ये वक्त धन, पैसे, इनकम, आय, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। लेकिन कन्या राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली परेशान होंगे, है ना? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सिंह राशि का जब मैं राशिफल दे रहा था तो मैं कह रहा था कि सुख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुख, हम जो भी कार्य करते हैं सारे कार्य सुख के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, हमें आनंद मिल जाए। कोई व्यक्ति शराब पी रहा, शराब पीने क्यों बैठा है? आनंद मिले। उतने समय तक पानी क्यों नहीं पी रहा, शराबी क्यों पी रहा, उसको उतने समय के लिए आनंद चाहिए, है ना? तो ये मुख्य चीज होती है, और मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आनंद या सुख नहीं मिलने वाला, पैसा कितना भी आ जाए, है ना? तो आनंद मुख्य है, सुख मुख्य है। चलिए, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहला शब्द तो मैं यही कहूंगा कि शेयर से आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी कार्य करते हैं शेयर मार्केट में आपको लाभ मिले ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। एक बात ये, जो भी आप निवेश करते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं, कोई आपका मित्र है तो भी मुझे ये निवेश जो है ये अच्छा दिखता है, या उधार इस समय आपको देना पड़ भी रहा है। वैसे तो मैं नॉर्मली मना ही करता हूँ उधार देने के लिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपका राशिफल ऐसा बता रहा है कि यदि आप उधार देते भी हैं तो वो आपको मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं। या दे करके रख दिया आपने उधार तो आपको मिल जाएगा इस समय, चिंता की बात नहीं। पहले से कोई पैसा फंसा हुआ था तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये कह सकते हैं तुला राशि वालों के लिए। नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और कहीं दूर जाना हो, आप कहीं दूर जाने के बारे में सोचें, घूमने फिरने जाने के बारे में सोचें, ऐसा भी आपके साथ हो, ऐसे भी योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और ये घूमना फिरना आप जहां पर जा रहे हैं ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, मतलब आप जिन उद्देश्यों से जा रहे हैं, आप जिन उद्देश्यों से घूम फिर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको तुला राशि वालों को लाभ भी मिलेगा। तो ये समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। पढ़ाई लिखाई भी यदि आप करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है। ऑल तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सिंपल सी बात है। हाँ चलिए, ये तुला राशि, तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति जो है वो आपको बनी रह सकती है। ऐसे से ऐसा क्यों नहीं हो गया, वैसे से वैसा क्यों हो गया, है ना? ये बातें आपके दिमाग में चलती रहे, ऐसा हो सकता है। पहले यदि कुछ कुछ चीजें आपके साथ आपके जीवन में हुई हो तो वो बार बार आपको आपको रिमाइंड होती रहे, ये भी एक प्रॉब्लम मुझे आपके साथ यहाँ पर दिखती है। अच्छा, फिजूल खर्च आपका हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका फिजूल खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने फिजूल खर्च पर संयम बरतें, पहली बात ये। अगली बात ये भी है कि यात्राओं के योग हैं, अब यात्राएं जरूरी नहीं है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य से भी संबंधित मुझे उतार चढ़ाव यहाँ पर दिखता है। तो यदि यात्राएं आप टाल सकते हैं तो यात्राओं को आपने टालना चाहिए। हाँ, और यदि जरूरी है,
जैसे कई बार होता है कि भाई यात्रा करना जरूरी है, हमको जाना ही है, तो ठीक है जाइए, लेकिन सेफ, खुद व्हीकल चला करके ना जाइए, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, सेफ। हाँ, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में जो बसेस चलती हैं, है ना, आए दिन घटनाएं भी सुनने को मिलती है। आप अपने नंबर के कारण, अपने टारगेट पूरे करने के कारण, समय पर समय से पहले पहुंचने के कारण, या समय पर पहुंचने के कारण पता नहीं, वो समय ऐसा भी बना दिया गया कि 4 घंटे का जो समय है उसको 2 ढाई 3 घंटे में कंप्लीट करना ही है, ऐसा कुछ प्रेशर हो उनके ऊपर, इसके कारण वो जो है बड़ी रफ गाड़ी चलाते हैं, बसेस चलाते हैं, और कई सारे तो एक्सीडेंट्स भी हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो बहुत मुश्किल लगता है बस में आजकल तो सफर करना, खासतौर पर हमारे क्षेत्र में, बाहर का मुझे नहीं पता। चलिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, आपके साथ ना विश्वासघात हो सकता है। हाँ जी, आप किसी पर भी विश्वास इस समय ना करें, मैं आपको ये बात बोलता हूं कि विश्वास बिल्कुल भी ना करें। आपको किसी को भी अपना नहीं समझना है, किसी को भी अपना नहीं मानना है। यदि आप किसी को अपना समझते हैं, सब अपना मानते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अंदर की बातें ना बताएं, जरूरी बातें ना बताएं, ज्यादा उसमें ना आ जाएं, क्या कहते हैं, इमोशंस में ज्यादा ना आ जाएं, भावनाओं में ज्यादा ना बह जाएं। ये बात मैं आपसे धनु राशि वालों से यहाँ पर कहूंगा। हाँ, पारिवारिक तौर पर मतभेद या तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो ये एक चीज जरूर है, अब इससे भी आपको बचना चाहिए। हालांकि आय के दृष्टिकोण से आप जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑल थोड़ा सा इस समय को, ये समय थोड़ा सा कठिन आपके लिए रह सकता है, मानसिक तौर पर खास तौर पर, लेकिन फिर भी आप यदि मैंने जो बात कही है इसका ध्यान रखते हैं, तो फिर आप इस समय को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, धनु राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है। हाँ जी, लाभ के योग है, आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिले, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें लाभ मिले, एग्जाम देकर के आए हैं तो उसमें लाभ मिले, आप जो है वो नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लग जाए, आपने कहीं शेयर मार्केट में निवेश करके रखा था तो वो निवेश आपके लिए अच्छा हो जाए, तो ओवरऑल ये समय लाभ का समय है, उन्नति का समय है। हाँ, नई योजनाएं भी आप बनाएंगे, जो नई योजनाएं आप बना रहे हो, नई योजनाओं में भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बात है। हाँ, तो मैं तो इस समय को मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय मानता हूँ, इस समय का आप लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, परिवार का साथ भी मिलेगा मकर राशि वालों को, है ना, पारिवारिक स्थिति भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। ठीक है, मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर आपके मन में आ सकता है। हाँ जी, फिजूल का डर सता सकता है, फिजूल आप परेशान हो सकते हैं। फिजूल, फिजूल का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बस हम सोचे जा रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, ये स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है, तो इस बात पर थोड़ा कंट्रोल करिए, फिजूल के डर से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि यह समय अच्छा रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, उन्नति कारक समय है। खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी और ये समय आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए मुझे बहुत अच्छा दिखता है। और कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। हाँ जी, स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, स्वास्थ्य की चिंता कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, स्वास्थ्य का कष्ट मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। वाहन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, तो अपने वाहन का भी जरा ध्यान रखें, और वाहन का ध्यान रखें, आप जो व्हीकल चला रहे हैं कहीं दूर आप ट्रेवल करके जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, खुद लंबी दूरी का ट्रेवल खुद से ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है।
और आपको ना इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य इस सप्ताह आपके लिए जो साप्ताहिक राशिफल है, ये आपके स्वास्थ्य में डावाडोल हो, आपका स्वास्थ्य आपको परेशान करे, ऐसा मुझे आपके लिए बनाता हुआ नजर आता है। तो इस बात का जरूर आप मीन राशि वालों ध्यान रखिए, चिंता की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। परिवार का साथ भरपूर रहेगा मीन राशि वालों के लिए, पारिवारिक स्थिति यहां पर अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, कोई चिंता की परिवार के दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, परिवार का साथ मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, पैसा कमा रहे, कुछ कर रहे, क्यों कर रहे हैं भाई? खुद आप उस पैसे का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते पूरी तरह से। यदि आपने करोड़ों रुपया कमा लिया है तो क्या खुद ही इस्तेमाल कर लेंगे इस जीवन में? नहीं कर सकते, है ना। तो आप ये सोचते हैं मेरे बच्चे इस्तेमाल कर ले, मेरी पत्नी इस्तेमाल कर ले, माता पिता इस्तेमाल कर ले, कुछ केसेस में कुछ भाई बहन भी प्रेम करने वाले होते हैं तो उनसे इस्तेमाल, लेकिन परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी तो परिवार का मन प्रफुल्लित रहेगा, मन खुश रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल के बारे में हमने बात की, वीकली राशिफल के बारे में बात की, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात की। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया तो मुझे आप बताइएगा कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आप सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।